ये देखिए फ्रेंड, आज मैंने बनाई है लाल साग की सूखी सब्जी। ये बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी भी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए मेरे साथ बनाना इसे शुरू करते हैं। और यहाँ इसे लाल साग कहा जाता है, आपके यहाँ इसे किस नाम से पुकारा जाता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा जरूर। इसी का सब्जी हम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है आधा केजी लाल साग है। उसके बाद मूंगफली का इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने मूंगफली ले लिया है थोड़ा सा। एक प्याज है जिसे मैंने एकदम फाइन चॉप कर लिया है। एक टमाटर है, लहसुन है 3-4 कली, हरी मिर्च है और ये कुछ मसाले हैं। इसमें बहुत कम मसाला पड़ता है, जैसे कि 1/2 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी और थोड़ा सा मिर्ची, हींग और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए मेरे साथ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें करना है, एक पैन चढ़ा के और ये जो सिंगदाना मैंने रखा था जिसे मूंगफली भी कहते हैं, इसे रोस्ट कर लेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे ठंडा होने के बाद। इसमें मैंने तेल नहीं डाला है, ये खाली गर्म तवे पे इसको रोस्ट करना है। ये फट जाएगा, इसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसका छिलका हम उतार लेंगे। ये देखिए हमारा सिंगदाना एकदम रोस्ट हो चुका है, ये फट गया है एकदम से। हम गैस अब ऑफ कर देते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं कुछ देर। देखिए सिंगदाना को हमने अच्छे से भून के इसका छिलका उतार लिया है। अब एक पतीले में, इस पतीले में ये साग है, इसे सब इसमें डाल देंगे। सब डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि साग ऐसे भी पानी छोड़ेगा, बस थोड़ा सा। इसके साथ ही जो हमने सिंगदाना रखा था ये इसमें डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून करीब नमक डालकर इसे अच्छे से ढक के 5 मिनट हम स्टीम कर लेते हैं। ये देखिए एक तरफ हमने स्टीम होने के लिए साग को चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा तेल देंगे, इसके बाद हींग, इसके साथ ही जो जीरा और एक तेज पत्ता है, सूखी मिर्च है, ये डाल देते हैं इसमें। ये बहुत कम तेल में बनने वाला सब्जी है और बहुत हेल्दी भी है। लाल साग तो हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, इसके बहुत सारे बेनिफिट भी है, इसलिए आप इसे जरूर ट्राई करना। इसके बाद इसमें जो हमने लहसुन काट के रखा था एकदम बारीक, वो डाल देंगे। इसके साथ जो हमने प्याज काट के रखा था ये डाल देंगे इसमें। टमाटर भी इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने उसमें भी नमक दिया था और उसका पानी फेंकना नहीं है, इसलिए एकदम कम इसमें नमक देंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाए। इसे अच्छे से मिला के और 2 मिनट हम इसे ढक के छोड़ देंगे। दूसरी तरफ देखिए हमारा साग धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है, अच्छे से जो हमने मूंगफली इसमें सिंगदाना रखा था उसे अंदर नीचे डाल देंगे ताकि पानी से मॉइस्चर से वो सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा। इसमें इतना ही पानी फ्रेंड दीजिएगा ताकि बचे ना, ये पूरा पानी इसमें सोख ले। ये देखिए हमारा प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने जो हरी मिर्च काट के रखी थी, आपको तीखा जितना पसंद हो वो हिसाब से लीजिएगा। इसके साथ ही हमने जो मसाले रखे थे ये सारा इसमें डाल देते हैं।
प्याज टमाटर के साथ सारे मसाला डालकर अच्छे से हम इसे भूनेंगे 2 मिनट तक। लाल साग की और भी कोई रेसिपी फ्रेंड आपको अगर जाननी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसकी बहुत सी रेसिपी आती है जिसमें रसे वाली सब्जी आती है, सूखी सब्जी होती है, वैसे आज मैं सूखी सब्जी ही बना रही हूँ, और इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी पकौड़ा है, बहुत है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको अगर कुछ अलग जानना है इसके बारे में तो मैं जरूर आपको बताऊंगी। ये देखिए हमारा साग गल चुका है इसमें, अब हम गैस ऑफ कर देते हैं उस साइड का। ये देखिए ये गल चुका है और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, ये देखिए ये पानी हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये पानी हम इस सब्जी में डालेंगे। और इस तरफ हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है तो इस साग को इसमें हम ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। साग इसमें डाल के हम 2 मिनट तक अच्छे से इसे भून लेंगे। सारा जो हमने मसाला तैयार किया था वो इसमें अच्छे से मिल जाए, इसके बाद हम गैस ऑफ कर देते हैं और हमारी ये लाल साग की रेसिपी बनके तैयार है। आप इसे घर पे ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में भी, रोटी के साथ या पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है, बहुत हेल्दी भी है, तो आप ट्राई कीजिएगा जरूर। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।